आज शाम के नाश्ते में मैंने बनाया बच्चों के डिमांड पर मुंबई स्टाइल वेज सैंडविच। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया, उसमें थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी राई डाल दिया। अब इन सबको अच्छे से फ्राई होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा कटी हुई हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और प्याज डाल दिया है। यहाँ पर प्याज मैंने लगभग एक प्याज यूज़ किया है मीडियम साइज़ का। जब हमारी प्याज हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब मैंने इसमें एक बारीक कट किया हुआ शिमला मिर्ची ऐड कर लिया। सैंडविच में शिमला मिर्ची का स्वाद जो है वो बहुत अच्छा आता है। जैसे ही हमारी शिमला मिर्च 60% फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टमाटर कट करके ऐड कर लिया है। शिमला मिर्च को हमें पूरी तरीके से नहीं पकाना है, ना ही हमें टमाटर को पूरा पकाना है। और यहाँ पर मैंने हल्का सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड कर लिया है और इन सबको अच्छे से मैं अब मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जियों को हमें 100% नहीं पकाना है, 60-70% ही पकाना है। और ये मैंने लास्ट में इसमें बॉईल किया हुआ आलू ऐड कर लिया। अब इन आलूओं को हम अच्छे से स्मैश करते हुए इसमें पकाएंगे। इस तरीके से चम्मच से आलूओं को अच्छे से स्मैश करते जाइए। आलू के जो है पीस नहीं होने चाहिए, अच्छे से स्मैश हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आलूओं को स्मैशर से स्मैश कर रही हूँ। ये देखिए कि मैंने आलूओं को कितने अच्छे से स्मैश कर लिया है। और अब मैं गैस बंद करके इस मसाले को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब जब मेरा मसाला ठंडा हो गया है तो यहाँ पर देखिए मैंने दो ब्रेड का स्लाइस ले लिया है, उनमें ये अपना आलू का मसाला मैंने अच्छे से लगा लिया है। जब हमारा आलू का मसाला अच्छे से लग जाएगा तब मैंने इसमें थोड़ा सा ककड़ी कट करके रखा हुआ था तो इन ककड़ियों को भी डेकोरेट कर लिया है मैंने इसमें। आप चाहे तो इसमें प्याज और टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर बस ककड़ी ऐड की है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा भुजिया भी डाल दिया है। भुजिया से हमारे सैंडविच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद मैं ये चीज़ की स्लाइस रख देती हूँ ऊपर से। और जब हमारी चीज़ स्लाइस रख जाएगी, ये देखिए मैं दूसरे वाले में भी मैंने चीज़ स्लाइस रख दिया। और जब चीज़ स्लाइस हमारी रख जाएगी इसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेड की एक और स्लाइस ऊपर से रखूँगी। तो ये रही मेरी एक और स्लाइस ब्रेड की। अच्छा हाँ, और यहाँ पर एक बात और, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने सैंडविच के लिए ब्रेड है हमारी वो रेडी कर ली। तो यहाँ पर मैं चलती हूँ गैस की तरफ, गैस को मैंने कर लिया है ऑन। अब हम इसमें रखेंगे हमारा सैंडविच मेकर। ये हमारा जो सैंडविच मेकर है ये हल्का सा गर्म हो गया, इसमें मैंने डाल लिया थोड़ा सा बटर। इसको अच्छे से चारों तरफ मैंने स्प्रेड कर लिया है। जैसे ही बटर हमारा हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, अब जो हमने सैंडविच बना के रखा था उसे हम इसमें रख लेंगे। और ऊपर से भी मैं इसमें थोड़ा सा बटर लगा देती हूँ, इससे हमारा जो सैंडविच है उसमें बहुत अच्छा सा क्रंचीनेस आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बटर भी ऊपर से लगा लिया है। अब हम कर देते हैं हमारे सैंडविच मेकर को बंद और इसको अच्छे से पलटते हुए पका लेंगे। हमें दोनों साइड से इक्वली पकाना है, इसीलिए इसे हमें बार बार पलटते रहना है। हर 2 सेकंड में आप इसे पलटिए, वरना एक साइड से ये ज़्यादा सिक जाएगा, एक साइड से ये कम सिकेगा। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरीके से इसे अच्छे से पलटते हुए पका रही हूँ। तो ये रहा यहाँ पर, अब मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके भी। ये देख लीजिए, आपने देख भी लिया होगा ये हल्का सा पक गया है। इसे बीच में इस तरीके से चेक ज़रूर कीजिए। और इसे अब मैं अच्छे से एक बार और पलट के चेक करके अब मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो ये देखिए मेरा जो सैंडविच है ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है। और आप इसे कट कर सकते हैं ट्राइंगल शेप में भी, बट मैंने इसे यहाँ पर स्क्वायर शेप में कट किया है। आप इसे 2 पीस में कट कीजिए, मैंने इसे 4 पीस में कट किया है। ये देखिए इस तरीके से 4 पीस में अगर हम कट करते हैं तो इक्वली हमारी जो वेजिटेबल्स है वो भी उसमें दिखती हैं और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो कितनी अच्छी लग रही है। सो फ्रेंड्स, आपको सैंडविच कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।